टीटीसी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संजय पहुजा, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा। आज आपको जो कॉमन सब्जेक्ट हैं टीडी आईडी सीए 122 व 201 के टॉपिक इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट लेक्चर दूंगा। इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट। इंटरनेट पर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेट का मतलब होता है कि इंटरनेट इज अ बेसिकली इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस नेटवर्क। ये पूरा एक वर्ल्ड वाइड वेब जिसमें सभी दुनिया भर के जितने भी नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, उन सबको आपस में जोड़ा गया है। आप दुनिया में कहीं पर भी किसी भी सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप अपने ब्राउज़र पर, जिसको आप क्लाइंट बोलते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट लेन मेन वैन प्रकार के सभी नेटवर्क से मिलकर बना हुआ होता है, इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट जो होता है वो किसी पब्लिक ओन्ड होता है, जिसमें किसी कंपनी का या किसी एक गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है। जितने भी सर्वर अपने आप को शेयरिंग के लिए उपलब्ध कराते हैं, वो डेटा कोई भी यूजर कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। उसके लिए उसके पास एक डिवाइस होनी चाहिए, नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए और वेब ब्राउज़र, जैसे कि आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मौजूदा फायरबॉक्स या अन्य कोई भी एक साधन होना चाहिए। इंटरनेट जो है वो एक लिमिटेड टू कंपनी है, किसी विशेष कंपनी के लोगों तक या किसी विशेष गवर्नमेंट प्रायोजन या किसी विशेष प्रायोजन के लिए होता है। इंट्रानेट एक तरीके का प्राइवेट ओन नेटवर्क है, हालांकि इसकी जो रेंज है वो भी पूरी वर्ल्ड वाइड वेब हो सकती है। पूरी दुनिया में किसी कंपनी के सभी ऑफिसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिखा रखी है जिसमें इंट्रानेट को समझा रखा है कि इंट्रानेट जो है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके पास एक्सेस सबको है, कोलाबोरेशन हो सकता है, डेटा मिल सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, इंफॉर्मेशन है, बट जो इसमें एक्सेस है वो किसका है, प्राइवेट नेटवर्क है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है, जबकि इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट की अगर परिभाषा देखें तो इंटरनेट का एक हिस्सा जो निजी तौर पर प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट ज़्यादातर लेन मेन वैन है, ये सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है और कंप्यूटर नेटवर्क के भीतर फाइलों फोल्डरों तक पहुँच प्रदान करता है। इसमें अनऑथराइज यूज़र को नेटवर्क तक पहुँचने से बचने के लिए सिस्टम के आसपास एक फायरवॉल या गेटवे लगाते हैं और इंटरनेट पे एक सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति है। मींस अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपको उस पर एक्सेस करने के लिए इंटरनेट पर एक आपको लॉगिन करना पड़ेगा। वो किसी कंपनी का एक लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड या किसी तरीके का ऑथराइजेशन हो सकता है, जिसमें आपका फेस है, थंब है, आई से या कोई भी और विधि या मेथड के द्वारा ऑथराइजेशन हो सकता है। तो इंट्रानेट आपको एक तरीके से ऑथराइजेशन के द्वारा ही एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंट्रानेट का उपयोग कंप्यूटर को जोड़ने, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर डेटा, फाइल्स, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ये जानकारी फाइल फोल्डर को शेयर करने का सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही जो नेटवर्क है वो अत्यधिक सुरक्षित और प्रतिबंधित होता है। ये विभिन्न सेवाएं जैसे ईमेल, सर्च, डेटा संग्रहण आदि का प्रतिपादन करता है। मींस इंट्रानेट एक लिमिटेड इंटरनेट है जिसमें सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट जो असीमित जानकारी प्रदान करता है जिसे कोई भी देख सकता है, जबकि इंट्रानेट एक सीमित है जिसमें डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज या गवर्नमेंट के किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर किसी एक संस्था विशेष के डेटा एक्सेस और डेटा ट्रांसफ़र के लिए प्रदान किया जाता है। इंटरनेट जो है सभी को पहुँचे, इंटरनेट जो है पब्लिकली ओन्ड है, इंटरनेट जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है। इंटरनेट की तुलना में इंटरनेट ज़्यादा सुरक्षित है, ऑथराइजेशन ज़्यादा है। इसके साथ साथ इंटरनेट जो है वो आपके पास एक्सेस, जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है इंटरनेट में ज़्यादा रख सकते हैं, ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है
एक अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए काम में लिया जाए। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, कोटा शहर में डीसीएम फैक्ट्री है, उन्होंने सेप एक ईआरपी सॉल्यूशन लगा रखा है और उनके जितने भी प्लांट हैं सूरत भरूच सभी डेटा एक दूसरे से जुड़े हुए इंटरनेट से, और इवन दो उनके प्लांट का जो डेटा होता है वो भी किसी प्लांट के डेटा का इनपुट दूसरे प्लांट के डेटा के किसी प्लांट का आउटपुट दूसरे प्लांट के डेटा के इनपुट में काम आता है। तो डेटा फाइल भी वैसे ट्रांसफ़र होती है, प्लांट भी उसी के अकॉर्डिंग, फाइल जब इनपुट होती है तो उसका आउटपुट चालू होता है, फिर वापस उस आउटपुट का इनपुट और फिर आउटपुट, ऐसे एक लगातार प्रोसीजर के तहत डेटा और उस प्लांट का एग्जीक्यूशन होता है। चूँकि यहाँ डेटा का ट्रांसफ़र सुरक्षित और ऑथराइजेशन तरीके से और फास्ट तरीके से होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट के स्थान पर एक इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इसके माध्यम से कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, लीडर अपनी टीम के विचारों को भली भांति शेयर कर सकता है और मैनेजर कर्मचारी आपस में स्पष्ट बात कर सकते हैं। चूँकि ये एक सुरक्षित माध्यम है इसलिए इसमें कंपनी पूरा भरोसा करती है। हर एक कंपनी आजकल, अब जैसे अभी COVID-19 के वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हर एक कंपनी का एक लॉगिन आईडी होता है और वो लॉगिन आईडी इसी बात का है कि वहाँ पर जो ऑनलाइन वर्क जो हो रहा है वो एक तरीके से हर कंपनी का अपना एक इंटरनेट है, जो उनके पर्सनल्स हैं घर पर बैठ कर वो एक लॉगिन आईडी से लॉगिन करते हैं, इसका मतलब वो इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, इंटरनेट पर नहीं। सिक्योरिटी, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन दे ही रहा है, इससे प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है। कंपनी का इंटरनेट कर्मचारियों को सारे टूल्स और इन्फॉर्मेशन का एक्सेस भी दे सकती है, स्टाफ के मेंबर्स इंटरनेट में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को कर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। मीन्स यहाँ पर कंपनीज होती है उनके डिफरेंट टूल्स होते हैं वो इंटरनेट पर ही उपलब्ध होते हैं, जिससे वो उसी पर काम करें। फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड है ही सही, बहुत सी कंपनी वर्क प्रोसेस को व्यवस्थित और ऑटोमेट बनाने के लिए भी, मीन्स किस तरीके से कितनी टीम वर्क हो, कैसे टीम का आउटपुट आ रहा है, फिर उसके बाद टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री तक टीम कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है, उसका फिनेंस कैसे मैनेज हो रहा है, कंपनी वर्क कैसे असाइन कर रही है और कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सभी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन डिफरेंट क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में एम्प्लॉयर के बीच में डिस्कस होती हैं, और उसके लिए वो कंपनी जो है इंटरनेट का ही इस्तेमाल करती है क्योंकि इसमें बल्क डेटा ट्रांसफ़र भी करती है। रिलायबिलिटी और इंटीग्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत अधिक है, ये एक फ़ायदा इंटरनेट का। इम्प्रूव्ड रिडंडेंसी भी की आवश्यकता नहीं है, मीन्स जगह जगह डेटा जो है कि इंटरनेट में होता है वैसा रखने की ज़रूरत नहीं है, पर इंटरनेट की जो है वो कंपनी की कॉस्ट, इंटरनेट स्थापित करने के लिए बहुत सारे कंपनीज को सर्वर चाहिए और उन सर्वर्स को अलग अलग जगह पर रखा जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा डेटाबेस चाहिए, वो सभी चीज़ों के लिए इंटरनेट की जो कॉस्ट है वो बहुत अधिक है। हर एक कंपनीज को बहुत अधिक कॉस्ट जो है इंटरनेट में, जो सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसमें अधिक जो कॉस्ट है वो इंटरनेट सेटअप की है, जबकि इंटरनेट है वो एक सस्ता सुलभ साधन है जिसमें आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं। इंटरनेट और इंटरनेट में समानता भी है, इंटरनेट और इंटरनेट दोनों भी किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वही इंटरनेट यूज़ करते हैं, दोनों ही नेटवर्क उपयोगकर्ता के साथ जानकारी शेयर करते हैं, मीन्स इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। बस इंटरनेट में लिमिटेड टू पर्टिकुलर कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या पर्टिकुलर वर्क या इंडिविजुअल्स तक का इस्तेमाल है, जबकि इंटरनेट जो पब्लिकली एक्सेस है उस पर किसी प्रकार की लगाम नहीं है, इसलिए इंटरनेट की सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर है, डेटा ट्रांसफर स्पीड भी कम है, प्रतिबंधित या सिक्योरिटी या रेस्ट्रिक्शन भी कम है। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।